सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये विक्टर कैलकुलस पर 8 वीडियो है। इसके पहले मैं 7 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में बात करूंगा वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का, मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। हालांकि वॉल्यूम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जो है मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है मैं आज बता रहा हूँ। उसके बाद फिर वॉल्यूम इंटीग्रल पर सवाल बताऊंगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल होता क्या है? जैसे आप जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल जो होता है वो किसी भी फंक्शन को एक कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं। ये मान लीजिए एक कर्व है, इस कर्व के अलोंग अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है, ए से बी जो कर्व है वो सपोज करते हैं सी है, तो इस सी कर्व के अलोंग अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो लाइन इंटीग्रल कहलाता है। और किसी सरफेस पर अगर इंटीग्रेट करते हैं, मान लीजिए कोई भी अगर सरफेस है, चाहे वो 3 डायमेंशनल फिगर हो सकता है या 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, तो सपोज कीजिए एक इस तरीके का सरफेस है, ये जो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है वो सरफेसेस है। अगर किसी भी फंक्शन को, चाहे वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो या स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, अगर इस सरफेस में इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसका जो कुछ भी वॉल्यूम होगा, सपोज कर लेते हैं फिलहाल यही है, एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम जो है वो भी है, और अगर किसी भी फंक्शन को, चाहे वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो या स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, अगर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस वॉल्यूम में, ये पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल को डिफाइन कैसे किया जाता है, जरा आप उसको समझिए कि हम लोग क्या करते हैं। जिस वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है किसी भी फंक्शन को, वो कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सपोज कीजिए एन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, इसी वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है तो इसको एन पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब मान लीजिए ये एक डेल्टा V1 बन गया, एक डेल्टा V2 बन गया, इस तरीके से कई यहाँ पर छोटा स्मॉल जो पार्ट है वो यहाँ पर बन रहा है। आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो डेल्टा V1, डेल्टा V2 ये इस तरीके से इस वॉल्यूम को nth पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर एक फंक्शन ले रहे हैं, फाई फंक्शन XYZ पॉइंट पर डिफाइंड हो रहा है ये, तो इस वॉल्यूम में ये फंक्शन डिफाइंड है। इस वॉल्यूम मतलब इस वॉल्यूम में, इसके अंदर या बाउंड्री पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये फंक्शन इस पूरे वॉल्यूम में डिफाइंड है। पूरे वॉल्यूम मतलब आप ये समझिएगा कि इस क्यूबॉइड के अंदर में कहीं पर या इसके सरफेस पर कोई भी कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, उस पर ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये डेल्टा V1 एक छोटा सा पार्ट लिए, यहाँ पर ये क्यूबॉइड ही है, इसको कई क्यूब में बांट दीजिए। अभी फिलहाल हालांकि क्यूब के जगह किसी भी तरीके से स्मॉल पार्ट में कर सकते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि क्यूब में ही बांटें, लेकिन अभी मैं फिगर जो बताया हूँ वो क्यूबॉइड को क्यूब में, एन क्यूब में मैं बांट रहा हूँ। हालांकि आप, मैं बता रहा हूँ कि ये क्यूब में ही बांटना जरूरी नहीं होता, किसी भी तरीके से इसको बांट सकते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पर क्यूबॉइड बन रहा है, तो उस क्यूबॉइड के अंदर में कोई भी पॉइंट ले लीजिए या सरफेस में कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट को हम लोग पी कह रहे हैं, और उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर डेल्टा V1 में ले रहे हैं तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट X1, Y1, Z1 कह रहे हैं, तो इस X1, Y1, Z1 पर फाई फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो फाई फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए X1, Y1 और Z1 पॉइंट पर। तो हम लोग इस फाई फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा V1 से। यानी क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ पर क्यूब ले रहे हैं, जो इसको कई पार्ट में डिवाइड किए हैं उसमें से एक छोटा सा क्यूब ले रहे हैं, और उस क्यूब के अंदर में कोई भी पॉइंट ले रहे हैं या सरफेस पर ले लीजिए उस पर, और उस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं PX1, Y1, Z1, इसको P1 कह देते हैं। इस पॉइंट को फर्स्ट वाला में ले रहे हैं, डेल्टा V1 में ले रहे हैं, तो उसको P1 कह रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट X1, Y1, Z1 है। और इस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन जो डिफाइंड किए हैं उस फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू आएगा, और उसको हम लोग इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सभी वॉल्यूम में जो छोटा छोटा पार्ट जो बन रहा है डेल्टा V2 उसमें भी काम करेंगे। जो डेल्टा V2 यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट आएगा उसका भी हम लोग एक उस पर पॉइंट लेंगे, और उस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं P2, उसका कोऑर्डिनेट होगा X2, Y2, Z2।
तो उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे और उस पॉइंट के फंक्शन का जो वैल्यू निकला है उसको डेल्टा वी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ये एन पार्ट में अगर डिवाइड किए हैं तो एनथ पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा यानी कि एनथ वॉल्यूम में जो पॉइंट ले रहे हैं एक्स एन कॉमा वाई एन कॉमा जेड एन उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और उसको डेल्टा वी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सभी का सम कर देंगे। तो जो सम आएगा उसको हम लोग ऐसा डिनोट कर रहे हैं सिग्मा फाई ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई और डेल्टा वी आई जहाँ आई का वैल्यू वन से लेकर के एन तक जा रहा है। तो ये जो वैल्यू आया अब उसको क्या करते हैं एन पार्ट में जो डिवाइड किए हैं उसको एन टेंस टू हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं। एन टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि जो नंबर ऑफ डिवीजन था उसको हम लोग इन्फाइनाइट कर देते हैं। आप सोचिए समझिए कि क्या होगा अगर इसको अभी 100 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो एक छोटा छोटा पार्ट मिल रहा है, अगर इसको 1000 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो पहले पार्ट मिल रहा था उससे और छोटा मिल जाएगा, 100000 में पार्ट में डिवाइड करेंगे तो और बहुत ही छोटा मिल जाएगा, और अगर 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो पार्ट एक पार्ट मिलेगा इसका एक पार्ट वेरी स्मॉल होगा। अगर ये नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो इन्फिनिटी कर दें तो जो क्यूबाइड बन रहा था एक छोटा सा जो पार्ट बन रहा था वो क्या एक पॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी कर दिए तो जो छोटा छोटा पार्ट मिल रहा है बहुत ही स्मॉलर हो जाएगा, लगभग एक पॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम आएगा ये जो क्यूबाइड ले रहे हैं उसका वॉल्यूम टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो उस समय इसका लिमिट फाइनाइट होना चाहिए, ये जो लिमिट निकाल रहे हैं जब हम लोग इसमें लिमिट लगा देंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन फाई ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई इंटू डेल्टा वी आई, इसमें जब लिमिट लगा देंगे तो ये लिमिट आना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए इसका। और जो फाइनाइट वैल्यू आएगा इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, ये जो फाइनाइट वैल्यू आएगा इसी को वॉल्यूम इंटीग्रल कहेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का, ये जो मॉड ऑफ डिवीजन है जिस तरीके से डिवाइड किए अभी हम लोग क्यूब में डिवाइड किए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि क्यूब में डिवाइड करें, हम लोग मान लीजिए एक इस तरीके से कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो सपोज कीजिए वो ज़रूरी नहीं है कि क्यूब में ही डिवाइड हो, तो कोई भी छोटा छोटा टुकड़ा बना सकते हैं हम लोग इसको। तो डिवीजन मॉड ऑफ डिवीजन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, प्रत्येक मॉड ऑफ डिवीजन में अलग अलग तरीके से डिवाइड जो किए हैं उसमें भी लिमिट का वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए, चाहे वो डिवीजन किसी भी तरीके से करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लिमिट के वैल्यू में, और वो हमेशा एक फिक्स नंबर आना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तब इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। और लिखते कैसे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल देते हैं, फाई फंक्शन है और यहाँ डी भी लिखते हैं और ये पूरे वॉल्यूम का लिया गया है तो ये भी यहाँ लिख देते हैं, इसी को हम लोग फाई फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल कहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो अभी स्केलर पॉइंट फंक्शन का लिए हैं, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन का, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होना जरूरी नहीं है, कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन में भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। उस समय वॉल्यूम इंटीग्रल को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, वेक्टर एफ डी वी, डी वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर भी लिखेंगे कि इस वॉल्यूम में कंप्लीट वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है, तो वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन भी हो सकता है। अब जरा एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये जो डी वी लिख रहे हैं अभी तो मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें हम लोग क्यूब में ही डिवाइड किए हैं, तो जब क्यूब में डिवाइड किए हैं तो जो क्यूब है उसका आप सपोज कीजिए कि लेंथ ब्रिथ और हाइट जो है वो डी एक्स डी वाई डी जेड है, इसका जो लेंथ होगा वो डी एक्स है, इसका जो ब्रिथ होगा ये वाला ब्रिथ वो डी वाई है और इसका हाइट जो है वो डी जेड है, तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में इसका जो वॉल्यूम है डी वी एक क्यूबाइड है तो ये हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो यहाँ पर जो हम लोग डी वी लिख रहे थे उस डी वी के बदले क्या लिख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल निकल रहा है वो फैक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का है और डी वी के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो ये भी लिख सकते हैं ये, लेकिन तब लिखेंगे जब ये जो डिवीजन किए हैं वो हम लोग क्यूब में करें। मैं अभी पहले बताया कि मॉड ऑफ डिवीजन पर फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यूब में भी कर सकते हैं या किसी दूसरे तरीके से भी इसको डिवीजन कर सकते हैं, तो चाहे डिवीजन कुछ भी कीजिए हम लोग क्यूब में ही करके काम कर सकते हैं। तो क्यूब में करने से क्या होगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल जेड एक्सिस के पैरेलल हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ होगा वो डी एक्स, वाई एक्सिस के पैरेलल डी वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल डी जेड, और
तो उस समय इसका जो वॉल्यूम है एक स्मॉल पार्ट का वो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा, तो डी वी के जगह ये लिख देंगे। अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन रहे तो एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिखेंगे, और अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन रहे तो यहाँ पर स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखेंगे। वो जो भी फंक्शन रहे दोनों में डिफाइंड होता है। अगर सपोज कीजिए वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन है, तो वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन जो है, देखिए आप सपोज कीजिए कि एफ जो है वो वेक्टर ऑफ पॉइंट फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू आई प्लस एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू आई सॉरी इंटू जे। ये क्या है, एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होगा इंटू आई, ये भी एक्स वाई जेड का दूसरा फंक्शन है इंटू जे, और ये भी एक्स थ्री एफ थ्री ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कि इस तरीके से डिफाइंड है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन ऐसा ले रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू आई प्लस टू वाई जेड इंटू जे प्लस जेड स्क्वायर इंटू के। यहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन है और आई के साथ मल्टीप्लाई, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन एक्स नहीं है वाई जेड है, सिर्फ एक्स नहीं है यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड का फंक्शन हुआ इंटू जे। यहाँ पर सिर्फ जेड है, एक्स वाई जेड होना चाहिए, मतलब कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तीनों हो, कोई भी एक भी कम से कम हो सकता है या कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। तो ये जो है वो पूरा फंक्शन एक्स वाई जेड का हुआ और ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हुआ। तो वैसे केस में अगर हम लोग को निकालना है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है फंक्शन एफ का, और डी वी के बदले हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो डी वी के बदले हम लोग यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड लेंगे। क्यों लेते हैं वो कारण मैं बता रहा हूँ अभी। और इसको वी में वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये एफ का वैल्यू लिख जाएंगे, शॉर्ट में इसको लिखते हैं एफ वन आई प्लस एफ टू जे और प्लस एफ थ्री के। ये एफ वन एफ टू एफ थ्री जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है और यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ वन को, तो एफ वन को ट्रिपल इंटीग्रेट करना है और आई कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट वेक्टर है सॉरी ये कांस्टेंट वेक्टर है आई, तो ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं और इसको इंटीग्रेट करना है डी एक्स डी वाई डी जेड। इसी तरीके से जे को बाहर कर सकते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल करना है एफ टू को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग यहाँ पर एफ थ्री के कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, यहाँ से एफ थ्री इंटू के कैप है ये, तो के कैप को बाहर कर सकते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल करना है एफ थ्री को एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपको ट्रिपल इंटीग्रल अच्छी तरीके से आता है तो इसको इवेल्युएट करना आसान होता है, कोई विशेष चीज़ नहीं है इसको इवेल्युएट करना। तो यहाँ से हम लोग इसको इवेल्युएट कर लेंगे एफ वन का एफ टू का एफ थ्री का इंटीग्रल और भी में करेंगे, तो भी से ही लिमिट हम लोग बैठाएंगे कि भी से यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x क्या वैरी कर रहा है, y क्या वैरी कर रहा है, z क्या वैरी कर रहा है, वो लिमिट हम लोग भी से वॉल्यूम से ही निकालेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वॉल्यूम दिया हुआ है, किस वॉल्यूम में इंटीग्रल करना है, उस वॉल्यूम पर से हम लोग लिमिट निकाल लेंगे और उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे, तो यही वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ अब कि देखिए उस क्वेश्चन के से हम लोग कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं, कैसे लिमिट लगाते हैं। तो ये लिमिट लगाने के लिए मेन चीज़ होता है इसमें सीखना कि लिमिट कैसे हम लोग लगाना है यहाँ पर किसी भी जिस वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इवेल्युएट दिस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई वेयर फाई इज 45 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड वी इज द इंक्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन दिस। इस प्लेन से ये बाउंडेड है। अब ये कौन सा प्लेन है, सबसे पहले हम लोग किस वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना हुआ, पहले वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो ये कौन सा प्लेन है, आप ये देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा प्लेन है। ये थ्री डायमेंशनल में आप प्लेन चैप्टर पढ़े होंगे, तो प्लेन में ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको बदल लेते हैं। ये प्लेन का इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलते हैं तो 8 से प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं तो x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं तो y डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो z डिवाइडेड बाय 8 और इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसा प्लेन बता रहा है जो x एक्सिस को ओरिजिन से 2 पॉइंट पर 2 डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को 4 डिस्टेंस पर और जेड एक्सिस को 8 डिस्टेंस पर। तो पहले इसी फिगर को हम लोग बनाते हैं, इस फिगर को देखिए। ये प्लेन का कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा कि एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काट रहा है, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, 0, 0, और वाई एक्सिस को 4 डिस्टेंस पर, वाई इंटरसेप्ट 4 है तो वाई एक्सिस को 4 डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, तो इसका 0, 4, 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट 8 है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 8। तो ये इस तरीके का प्लेन है
जो एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर काट रहा है। नीचे वाला जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन हो गया और एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, ये चार प्लेन से बाउंडेड रीजन है। जो रीजन है वो चार प्लेन से, तो एक प्लेन तो आपका सामने ए बी सी ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, दूसरा एक्स इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है, ये एक्स इक्वल टू जीरो वाई जेड प्लेन का होता है। तो वाई जेड प्लेन इधर से हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, इधर से जो बन रहा है, और वाई इक्वल टू जीरो होता है एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन। तो एक्स जेड प्लेन पीछे है इधर से, तो ये एक्स जेड प्लेन है, और z इक्वल टू जीरो होता है एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन। नीचे वाला जो बॉटम है वो एक्स वाई प्लेन है। तो इस तरीके से जो बन रहा है, आप ये देखिए समझिए कि यही वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम में इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे अब इंटीग्रेट करेंगे, जरा इसके बारे में समझिएगा कि कहाँ से कहाँ क्या वैरी करेगा, लिमिट क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या वैरी करेगा उसके बारे में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कई जेड एक्सिस के पैरेलल एक कॉलम लेंगे, चाहे वो कॉलम जो है वो किसी तरीके का कॉलम हो सकता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग जेड एक्सिस के पैरेलल एक कॉलम लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक क्यूबॉइड जैसा हो, सिलेंडर जैसा भी हो सकता है, या क्यूबॉइड भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कई पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, और ये जो नीचे वाला है वो नीचे एक्स वाई प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ जो है वो सामने फेस जो है ए बी सी ट्राइंगल है वहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो कई कॉलम में जेड एक्सिस के पैरेलल कई कॉलम में डिवाइड कर देंगे। अब जरा देखिएगा कि कैसे इसका लिमिट जो है वो जेड कोऑर्डिनेट कैसे वैरी करेगा उसके बारे में। तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कंसिडर ये थीन कॉलम पी क्यू, एक पी क्यू जो है वो यहाँ पर हम लोग पी और क्यू नाम दे देते हैं। तो ये एक थीन कॉलम लिए हैं PQ पैरेलल जो टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल। दिस कट्स द बाउंड्री एट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो मतलब एक्स वाई प्लेन, नीचे वाला जो बॉटम है उस पर ये जेड कहाँ पर काट रहा है, क्यू पर काट रहा है, बेस ऑफ द कॉलम पी क्यू, पी क्यू का जो बेस है वो नीचे वाला एक्स वाई प्लेन पर काट रहा है, और एक्स वाई प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। एंड टॉप जो है वो इस ट्राइंगल में काट रहा है, और ये इस प्लेन का इक्वेशन यही है, इसी प्लेन का इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिखे थे। तो ये प्लेन का इक्वेशन ये है, और जेड यहाँ रहने दीजिए, और ये दोनों को इधर ले आइए, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 8-4x-2y। तो नीचे वाला का जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, और यहाँ का जेड कोऑर्डिनेट जो है वो इस टॉप पर है, तो इससे जेड कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लेते हैं, इस प्लेन पर है, तो यहाँ से जेड कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 8-4x-2y। नीचे वाला सभी पॉइंट का, जो भी पॉइंट ले लीजिए, तो नीचे वाला का तो फिक्स होगा, लेकिन ऊपर वाला में मान लीजिए अगर हम लोग कॉलम यहाँ पर ऐसा बनाए हुए हैं, मान लीजिए ऐसा बनाते हैं तो जेड कोऑर्डिनेट अलग होगा, यहाँ पर बनाते हैं तो जेड कोऑर्डिनेट अलग होगा। तो जेड कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई पर डिपेंड करेगा, तो जेड कोऑर्डिनेट इतना हो गया। ये हुआ इस कॉलम का जेड कोऑर्डिनेट नीचे वाला का, और ये इसका। तो जेड जो है जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे, तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो से लेकर के यहाँ तक वैरी करेगा, यानी जेड कोऑर्डिनेट जीरो से लेकर के इस पॉइंट तक वैरी करेगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या वैरी करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो फिगर है, ये जो वॉल्यूम है उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर निकाल लीजिए। तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या प्रोजेक्शन होगा, ये जो वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम का प्रोजेक्शन, ये थ्री डायमेंशनल का प्रोजेक्शन अगर एक्स वाई प्लेन पर करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, और इस ट्राइंगल का इक्वेशन क्या होगा, इस ट्राइंगल में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सिर्फ ट्राइंगल में लाइन का इक्वेशन, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जरा समझिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, आप एक्स वाई प्लेन की बात कीजिए, तो एक्स वाई प्लेन में इस लाइन का इक्वेशन, तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 और वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 4। तो आपको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन है वो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यानी कि जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन वो तीन लाइन से बाउंडेड रीजन है। कौन सा रीजन, ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन 1, ये प्लेन का जो प्रोजेक्शन होगा तो वो क्या होगा, ऑन एक्स वाई प्लेन इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, वाई एक्सिस से बाउंडेड है, और ये लाइन से बाउंडेड, जिस लाइन का अभी इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इस लाइन से बाउंडेड है। तो अब हम लोग ये जो लाइन बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, यहाँ पर समझिए, ये जो ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है। हम लोग सिर्फ एक्स वाई, एक्स और वाई प्लेन कंसिडर कर रहे हैं,
तो ये इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम ए और बी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस जो है वो 4 है। इस लाइन का इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, अभी हम लोग निकाले थे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 उस लाइन का इक्वेशन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग यहाँ पर स्ट्रिप कर दें तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका y कोऑर्डिनेट यहीं से निकल जाएगा, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4 माइनस 2x। और ये जो स्ट्रिप होगा कई वर्टिकल स्ट्रिप में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो पहला स्ट्रिप यहाँ से, तो एक और पहले समझ लीजिए जेड कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था। तो जेड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से लेकर के, अभी यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि जेड कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक वेरी किया, नीचे वाला जो कॉलम था ये उस नीचे वाला बॉटम का जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया और टॉप का जेड कोऑर्डिनेट जो है वो 8 माइनस 4x माइनस 2y आया। अब फिर हम लोग देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग जो नीचे बेस बन रहा है वो एक ट्राइंगल बन रहा है जिसको हम लोग सिर्फ xy प्लेन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 से वेरी करके कहाँ तक जा रहा है, इस लाइन तक जा रहा है, और इस लाइन से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो 4 माइनस 2x होगा। और x कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करेगा, कैसे निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट सबसे पहला स्ट्रिप जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा पहला स्ट्रिप, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और लास्ट स्ट्रिप जाएगा यहाँ पर, कई वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे तो लास्ट स्ट्रिप यहाँ आएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन में देखिए ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 200 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो xy प्लेन पर अगर लिखें तो 200 सिर्फ लिखेंगे, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 से लेकर के 2 तक वेरी करेगा। तो इस वॉल्यूम में एक्स वाई जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इसी तरीके से निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या किए कि जेड एक्सिस के पैरेलल इसको कॉलम लिए हम लोग उसके पैरेलल, अब उस कॉलम में देखें कि जेड कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस के पैरेलल लिए हैं तो जेड कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जो टॉप बॉटम था उसका जेड कोऑर्डिनेट निकालनी है और टॉप का जेड कोऑर्डिनेट, तो बॉटम का जेड कोऑर्डिनेट तो हमेशा फिक्स था क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो टॉप था तो टॉप जो है वो इस प्लेन पर आ रहा था, इस प्लेन का से हम लोग जेड कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम लोग क्या किए, इस प्लेन का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ किए और एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन आया उस प्रोजेक्शन पर हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ किए और वाई एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रिप हो रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट देखें कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो स्टार्ट हो रहा था एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये लाइन तक जा रहा था, तो इस लाइन से हम लोग वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए। और फिर ये स्ट्रिप जो है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो सबसे पहला स्ट्रिप यहाँ से होगा और यहाँ तक जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट उससे निकल गया, तो यही इंटीग्रल हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल का लिमिट हो जाएगा। तो अब हम लोग को जो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, फाई डी वी निकालना था और भी रीजन में, अब क्या हो जाएगा, तो फाई फंक्शन का वैल्यू, फाई यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, फाई फंक्शन का वैल्यू है 45x2 × y, और थोड़ा सा मैं स्पेस लेकर के लिख रहा हूँ क्योंकि लिमिट भी लिखना है, तो फाई फंक्शन का वैल्यू 45x2 y है और डी वी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं तो डी वी के जगह हम लोग लिख सकते हैं dx dy dz। अब लिखना पड़ेगा कि z सबसे पहले जो यहाँ पर वेरिएबल लिमिट है उसको लिखिए, तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल इसमें है तो इसका सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो जेड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से वेरी कर रहा है, जेड 0 से लेकर के जेड कोऑर्डिनेट 8 माइनस 4x माइनस 2y तक जा रहा है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, इसमें 2 वेरिएबल था, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो वाई का हम लोग लिखेंगे, वाई जो है वो 0 से लेकर के वेरी कर रहा है, ये वाई का वैल्यू है 0 से लेकर के, y कोऑर्डिनेट था 4 माइनस 2x, और फिर x जो है वो कांस्टेंट लिमिट है तो उसका x कोऑर्डिनेट का लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, z कर देंगे, उसके बाद ये जो है वो y लिमिट वैरी कर रहा है तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और लास्ट जो है वो x कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है तो लास्ट में हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में, अब ये हो गया मल्टीपल इंटीग्रल, तो मल्टीपल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, अब ट्रिपल इंटीग्रल जैसा हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इवेलुएट कर लेंगे, अब कुछ विशेष नहीं बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू ही 0 ही लिखें, 0 टू 2 ही लिखेंगे चल जाएगा काम, यहाँ पर 0 से लेकर के 4 माइनस 2x तक था तो 4 माइनस 2x, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा,
तो वो 45 एक्स स्क्वायर इंटू वाई को बाहर कर दिए, 1 बच जाएगा और 1 का जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल जेड होगा और ये लिमिट है 0 to 8 माइनस 4x माइनस 2y और dy इंटू dx हो गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये 0 to 2 रहने देते हैं, इसका लिमिट हम लोग पुट कर लेते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो 45 एक्स स्क्वायर और पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 8 माइनस 4x माइनस 2y और z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब dy dx, अब फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए कैसे इंटीग्रेट होता है, तो मैं अब देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो है वो 0 to 2 हो गया और ये जो दूसरा लिमिट है 0 to 4 माइनस 2x है। अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 360x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 4 20 और 4 4 16 यानी 180 और साथ में x क्यूब आएगा और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 90x स्क्वायर वाई और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो dy और dx। पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो 0 to 2 यहाँ पर 360x स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बच जाएगा तो y और यहाँ पर 180x क्यूब यहाँ पर भी y और यहाँ पर 90x स्क्वायर और y का इंटीग्रल हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग इसका लिमिट पुट करेंगे 0 to 4 माइनस 2x और dx। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 0 to 2 रहने देते हैं और पहले अपर लिमिट बैठाते हैं तो 360x स्क्वायर इंटू वाई के जगह 4 माइनस 2x माइनस 180x क्यूब यहाँ पर भी 4 माइनस 2x और माइनस ये कट जाएगा तो 45 होगा x स्क्वायर और y स्क्वायर के जगह 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये सिंपल है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका इंटीग्रल 128 आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा और अगर कैलकुलेशन सब कुछ सही है तो यहाँ पर इंटीग्रल आपका 128 आएगा, आप इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में मेन चीज़ है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है उसको पुट करना, बाकी इंटीग्रेशन तो आसान है, एक एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते चल जाते हैं, उसके बाद ये इवेलुएट हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स वॉल्यूम इंटीग्रल का एक सवाल हो गया। वॉल्यूम इंटीग्रल कुछ विशेष नहीं है, आप उसमें क्या है कि मल्टीपल इंटीग्रल अगर आपको आता है तो वॉल्यूम इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ ये देखना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। ये वेक्टर कैलकुलस का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ग्रीन्स थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद स्टॉक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी और थ्योरम का सभी को मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो विक्टर कैलकुलस कंप्लीट होने के बाद कौन सा सीरीज स्टार्ट करना है, कौन से टॉपिक पर, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो कमेंट आप जब करते हैं, लाइक करते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए, मैं भी मोटिवेटेड होता हूं और ज़्यादा जोश के साथ फिर वीडियो अपलोड करता हूं। तो ये ज़रूर आप काम करें कि कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक भी करें और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ अगर मुझे मिलेगा तो भी मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये मेरे चैनल को आप देखते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।